तो दोस्तों, मैं हूँ आपका उजाड़ जोड़ी नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है KTM Duke 200 BS6 की। हम बात करते हैं तो देखते हैं बाइक के अंदर क्या क्या नए नए चेंजेस आए। जो भी अब चेंजेस आए वो कंफर्मली चेंज हो चुके हैं। तो देखो, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ड्यूक 200 के अंदर आपको BS6 इंजन मिलेगा, FI मिलेगा और लिक्विड कूल इंजन आपको मिलने वाला है। रही बात है इसके अंदर जो पावर रहेगी, पावर इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, सेम वही पावर है जो कि पहले थी, 24.6 BHP की पावर और 19.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि पहले के मुकाबले पहले भी यही था और अब भी सेम यही है। इसमें कुछ चेंज नहीं आया है। अगला जो इसके अंदर चेंज है वो यह है कि इसके अंदर अब आपको एक कलर ऑप्शन और मिलेगा जो कि वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता हुआ मिलेगा, जो कि मुझे तो बहुत वो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव कलर है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, यूनिक सा भी लगता है। इसका जो अगर टोटल लुक दिखाया जाएगा तो लुक इसका पूरा 250 की तरह दिखाया गया, ड्यूक 250 की तरह इसका टोटली लुक है। माइलेज जो निकाल के देगा पहले के मुकाबले में कम से कम ये 4 से 5 किलोमीटर फालतू निकाल के देगा, जो कि बहुत अच्छा है। अब डिपेंड ये करता है कि आप इस बाइक को चलाते हो तो हो कैसे। अगला जो इसका चेंज आया है वो ये चेंज आया है कि इस बाइक के अंदर जो है वो आपने जो इसका टेल टेडी है, टेल टेडी इसमें ड्यूक 250 वाला लगा हुआ है, हाँ नहीं ड्यूक 390 वाला इसके अंदर लगा हुआ। टेल टेडी जो पीछे का है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें थोड़ा सा तो मैं ऐसा लगा कि उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा दे रखा, वो तो खैर मुझे लगा, मैंने इमेज देखी तो मुझे उसमें कुछ लगा। अब वो डिपेंड अब आपको लगता है कि लगता है या नहीं लगता। वैसे भी लोग ओरिजिनल ड्यूक वो टेल टेडी लगाता कौन है, वो चेंज करवा के दूसरा ही लगवा देते हैं। बाकी तो और कोई इसमें कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं आया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, फिर को सब्सक्राइब कीजिए, करना वो करेंगे हमारे मन खराब क्योंकि मांगे मेरा कि हम खराब करें। और मेरे को और चैनल है और कुछ पेजेस है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर जरूर लाइक करना और फिर भाई पेज पे भी जाके और चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करना। ओके बाय।